आज नजमा जी आई है, आपको तो सबको परिचय है, लेकिन वो हमारी दादरा नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है उसकी भी इंचार्ज है पार्टी की तरफ से, और वहाँ चुनाव में शानदार सफलता मिली है, तो वो बताएगी। फिर दूसरे कोई सवाल हो गया तो मैं हूँ ना। आज जवाब जा रही है, नहीं जा रही, मेरा गला बहुत खराब है। हमारे दादरा नगर हवेली और दमन दीव के चुनाव हुए थे। दमन दीव के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत हासिल करी थी। दादरा नगर हवेली के कल रात को परिणाम जो आए, 25 तारीख को इलेक्शन था, तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और विलेज पंचायत के रिजल्ट थे। उसमें हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट पंचायत में 11 डिस्ट्रिक्ट पंचायत के इलेक्शन थे, जिसमें हमें 8 पे सफलता मिली है और एक में टाई है, वो भी हमारी बन जाएगी। विलेज पंचायत 114 थी, जिसमें से 70 हमको मिली हैं, हमको कंप्लीट मेजॉरिटी है वोट की 22 में से 17। पहली बात ये, 22 में से 17 जिला पंचायत में दूसरे भी मेंबर होते, 114 में से 70 मिले। पहली बार हिस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर पूरे पंचायत में और डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन लड़ा और भारी बहुमत से आए। हम जीरो थे जब हम गए हैं, आज हम लोगों की भारी बहुमत वहां पर आई। इसके बावजूद भी कि वहां सीधा शासन है दिल्ली का और एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत हमारे साथ पक्षपात किया, इलेक्शन कमीशन ने मदद करी, यहाँ स्पेशल इलेक्शन कमीशन ने पंचायत का, जिनसे लेडी मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मदद करी, मगर जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसने हमारे साथ बहुत पक्षपात किया, हमारे वर्कर्स को मारा, बंद करा, उन पे रेड डाली, बहुत उनको तकलीफें पहुँचाई। इसका सीधा मकसद ये हुआ कि दिल्ली के शासन को वहाँ के लोगों ने रिजेक्ट करा है सीधे सीधे, क्योंकि वहाँ कोई स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली के शासन को उन्होंने रिजेक्ट करा, सीधे होम मिनिस्ट्री को रिजेक्ट करा। पहली बात है कि वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, इतना पिछड़ापन रहा वहाँ हमारे, तो हम दोनों ही, हमारी दादरा नगर हवेली और दमन दीव में, दोनों में हमारे एमपी पहली बार जीते हैं, भारी बहुमत से वो भी जीते थे। प्राइस राइज का मुद्दा वहाँ पर बहुत अहम रहा, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एक वेव निकली है गुजरात से, उसका भी बहुत भारी इफेक्ट हुआ है नरेंद्र भाई का, और जिस तरीके से कि कम्युनल पॉलिटिक्स ये सरकार खेल रही है, इन सब का असर वहाँ पर हुआ। और एक बात और, जब हम गुजरात में इलेक्शन जीते थे पंचायत के, जिला परिषद के, कॉरपोरेशन के, लोकल बॉडीज के, तो ये कहा गया था कि मशीनें की खराबी की वजह से, एवीएम की खराबी की वजह से वहाँ जीत गए हैं, पर यहाँ बैलेट पेपर था, यहाँ पेपर बैलेट था, यहाँ कोई मशीन नहीं थी, उसके बावजूद भी हम जीते। तो ये जीत इस सेंट्रल गवर्नमेंट के, खास तौर पे कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, जो मिस रूल कर रहे हैं, जो तरीके से कि ये यहाँ पर काम चल रहा है, जिस तरीके से कि हमारे साथ ज्यादती वहाँ हुई है, ये उसका परिणाम है। आपने जो नरेंद्र भाई मोदी के असर की बात कही, उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि ये दोनों हिस्से जो है वो गुजरात के बीच में ही पड़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आप नोएडा और गुड़गांव कहें, एकदम मिला हुआ है दोनों, तो गुजरात का असर भी पड़ा है और लोगों ने देखा, वहाँ इतनी गरीबी है, सब ट्राइबल लोग रहते हैं, गांव छोटे छोटे गांव हैं, इतनी गरीबी है कि जब उन्होंने गुजरात के बाजू बॉर्डर के जगह पर डेवलपमेंट देखा, विकास देखा, तो उन्होंने कहा यही हमारा काम करेंगे। और 20 साल से वहाँ कांग्रेस के एमपी जीत के आते थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया था। अभी दोनों मेंबर पार्लियामेंट हमारे हैं और उसके बाद जिला पंचायत और विलेज पंचायत होती है, तो डायरेक्ट हम लोग का वहाँ पूरी की पूरी जीत हुई है।